जॉब्स बहुत बड़े आविष्कारक और प्रवर्तक थे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि स्टीव जॉब जब तक जिए केवल काम ही करते रहे। अपनी मृत्यु से 6 सप्ताह पूर्व तक वे एप्पल के लिए समर्पित रहे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ अटकी बातें, कुछ अनोखी बातें कही हैं जो आज के युवाओं के लिए काफी ज्यादा प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसे व्यक्ति का जीवन हमें कितना प्रेरित करता है, इसका अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके विचारों के बारे में, जिनसे सुनकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वैसे तो किसी भी महान व्यक्ति का जीवन अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि वह किन विचारों पर फोकस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। निर्धारित करें कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टीव ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण अपने दिल और अंतर्ज्ञान पर अमल करने का साहस है। किसी तरह उन्हें पहले से ही पता होता है कि आप सही में क्या बनना चाहते हैं, बाकी हर चीज गौण है। उन्होंने कहा कि आप अपने दिल और अंतर्मन की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो। आपके अंदर लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य हैं। हालांकि यह निश्चित होता है, इसलिए वह करिए जो आप करना चाहते हैं, और यदि वह कार्य आपको नहीं मिला है तो उसे ढूंढते रहिए, और जिस दिन वो आपको मिल जाएगा तो आप स्वयं जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। थिंक डिफरेंट, यह स्टीव का मूल मंत्र था। कितना छोटा सा शब्द लेकिन कितनी गहराई लिए हुए। इसी शब्द से भरोसे उन्होंने उद्योगों को बदला, बिजनेस मॉडल को नई परिभाषा दी और टेक्नोलॉजी को आर्ट से जोड़ा। आज लोग उनकी तुलना थॉमस एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, लियोनार्डो दा विंची से कर रहे हैं, और लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्टीव जॉब जैसा शख्स अब जल्द दुनिया को मिलने वाला नहीं है। इन सब के पीछे क्या था? एक अलग तरह की सोच, एकला चलो की नीति और दूसरों के ढेर सारे निर्णयों को बदलते हुए अपनी आत्मा की आवाज के नक्शे पर कदम पर चलना। इंतजार बंद कीजिए, अकेले चलिए। स्टीव कहते थे कि यदि जीतना है, सफल होना है, तो अकेले ही चलना होगा। आज तक दुनिया में जितने भी सितारे चमके हैं, अब अकेले ही चले हैं। वे लोगों को मोटिवेट करते थे और कहते थे कि इसका इंतजार कर रहे हो। किसका इंतजार कर रहे हो? आपको जिताने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद जीतना होगा। जिंदगी केवल समय काटने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदा दिली के साथ जीने के लिए है। जिंदगी घिसटने के लिए नहीं है, बल्कि उड़ान भरने के लिए है। जिंदगी को बोझ मत समझिए, बल्कि मुस्कुरा कर जिए। इंतजार करने में मत लग जाइए, अकेले चलिए और इतिहास रच दीजिए। अगर आप भी कुछ ऐसे ही किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की कुछ चुनिंदा किताबें, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।